आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये हमारे टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन है, चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर जो चैप्टर है ये क्लास 12th की अकाउंटेंसी का है। अगर आपके इशू ऑफ शेयर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो और वहां पर आपको मिलेगा मेरा पूरा लेक्चर इशू ऑफ शेयर्स पे, बहुत ही इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करा हुआ है। उसे समझो, नोट्स बनाओ और उसके बाद मेरे साथ मिलकर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पूरा करो। अभी फिलहाल हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 उसी एक्सरसाइज का टीएस ग्रेवाल की, और उसको हम रीड करते हैं, फिर इसमें जो जो हमें बताया गया है उसे हम पूरा करते हैं। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज कैपिटल ऑफ 3 लाख, डिविडेंड इन टू द 3,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच विच वर ऑफर टू द पब्लिक, अमाउंट पेबल एज द 30 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दीज शेयर वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वर वॉज ड्यूली रिसीव्ड, प्रिपेयर कैश बुक, प्रिपेयर जर्नल एंट्री एंड द बैलेंस शीट ऑल्सो। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें तीन चीज बनानी है, एक तो जर्नल एंट्री भी करनी है, कैशबुक भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो हम यहाँ पे तीनों बनाएंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप आएगा हमारे पास जर्नल एंट्री का, लेकिन पहले समझते क्वेश्चन ने हमसे कहा क्या। एक कंपनी है नेशनल टेक्सटाइल, उन्होंने क्या करा, उनके पास वो ऑथराइज तो है 3 लाख शेयर से, लेकिन उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इनटू द शेयर। वो तो जो अमाउंट है वो 3 लाख रुपीज है, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया उस 3 लाख को 3,000 शेयर्स में। जैसे कि एक कंपनी रजिस्टर्ड है 3 लाख शेयर्स के अमाउंट से, इनके हर शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपए, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर कितने इशू कर सकते हैं, ये 3,000 इशू कर सकते हैं। तो इस कंपनी ने पूरे पूरे 3,000 शेयर इशू कर दिए हैं मार्केट में, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि जो इशू कर दिए हैं वो इसे 3 हिस्सों में मांग रहे हैं लोगों से कि भाई आप पहले एप्लीकेशन दोगे तो एप्लीकेशन में आप क्या करना, आप हमें देना 40 रुपए, ठीक है। फिर आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा तो अलॉटमेंट में भी आप क्या करना, आप हमें कुछ पैसा दे देना। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेशन में 30 रुपए मांग रहे हैं ये और अलॉटमेंट में आपसे मांग रहे हैं 40 रुपए। फिर अगेन आपसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपसे मांगा जा रहा है 30 रुपए, ठीक है। सो ये तीन चीज हमें यहाँ पे पूरी करनी है और इसकी जर्नल एंट्री करके दिखानी है। तो हम बारी बारी क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं। अब हुआ क्या कि हमारी कंपनी है आपकी और हमारी नेशनल टेक्सटाइल, हमने क्या करा, मार्केट में 3,000 शेयर इशू करे तो लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा हमें भेजेंगे। वो पैसा कहाँ आएगा, हमारे बैंक अकाउंट में। तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब बात करते हैं, एंट्री तो हमने लिख ली लेकिन इसके लिए अमाउंट क्या लिखेंगे। इसके लिए जो अमाउंट हम लिखेंगे वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, हमने शेयर कितने इशू करे थे, हमने 3,000 शेयर इशू करे थे, जिसके हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगा है, हमने 30 रुपए मांगा है, तो 3,000 × 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारा अमाउंट आ जाएगा जो कि कितना होगा, 90,000 रुपए, ठीक है। तो 90,000 रुपए हमारा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और 90,000 यहाँ पे क्रेडिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी पहली एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कि हमारे पास पैसा आया है 90,000 रुपए, किस चीज का आया है, शेयर एप्लीकेशन का आया है। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज में हम क्या करेंगे, जो पैसा हमारे पास आया है इसे हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे कहां पे, हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। किस चीज का पैसा आया था, हमारा शेयर एप्लीकेशन का आया था। तो हमने क्या करा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना पैसा आया है, 3,000 शेयर का पैसा 30 रुपए के हिसाब से आया था, यानी कि 90,000 रुपए, ठीक है। और ये हमने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, हमारे टू शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, सेकंड साइड भी हमें दिखाना है यहाँ पे 90,000 रुपए, ठीक है। अब आएगी हमारे पास नेक्स्ट एंट्री, मैंने साथ साथ यहाँ पे नरेशन मेंशन करी है, तो नरेशन क्या लिखनी होती है वो भी आप चेकआउट करते रहे, बहुत ईजी है, ठीक है। इसके बाद क्या हमारे पास, अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट की स्टेज आ गई, लोगों ने एप्लीकेशन भेजी थी, अब हमारी जो कंपनी है उन्होंने हमें हमारा काम है बताना लोगों को कि ठीक है आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब आप हमें पैसे भेजोगे अलॉटमेंट के। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है, अब आपने शेयर अलॉटमेंट का पैसा भेजना है, और जब आप वो पैसा भेजोगे तो हम उसे कहां पर ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन आर शेयर होल्डर, ठीक है ना, ठीक है, हमारे बीच में और हमारे शेयर होल्डर के बीच में क्या है, ट्रांसपेरेंसी हमने क्रिएट करी हुई है कि हम उन्हें प्रॉपरली बता रहे हैं कि आप अलॉटमेंट का पैसा भेजो और वो पैसा चला जाएगा शेयर कैपिटल में, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट की बात करते हैं, तो हमारे पास जो पैसा आना है वो 3,000 शेयर का आना है, जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना, अलॉटमेंट में कितना मंगाया था हमने, 40 मंगाया था, है ना। तो कितना पैसा हम मंगा रहे हैं, हम मंगा रहे हैं 1,20,000 रुपए, और ये कहां चला जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लोग क्या करेंगे, लोग पैसा भेज देंगे, है ना। तो पैसा कहां आएगा, इस बार बैंक में आएगा, किस चीज का आएगा, शेयर अलॉटमेंट का आएगा। तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। कितना पैसा आएगा भाई, पूरा पूरा पैसा आएगा, 3,000 शेयर × 40, ठीक है।
तो हमारे पास कितना पैसा आ गया, पूरा 1,20,000 रुपए यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इजी हो गया। इसके बाद हमारा आ जाएगा फाइनल स्टेप, जो कि क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अब हम क्या करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई अब टाइम आ चुका है जब आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी देना है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो भी क्वेश्चन में डेट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हमारे पास उसकी एंट्री बतानी है, तो हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांग रहे हैं, विच मीन्स अकाउंट डेबिट। कहां पे जाएगा वो पैसा अगर लोग देंगे, तो शेयर कैपिटल में जाएगा। तो हम लोगों को यही बता रहे हैं कि आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दो और उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे विद आर शेयर कैपिटल। ठीक है, तो कितना पैसा मांगने वाले हम, वही 3,000 शेयर इंटू 30 रुपए। ठीक है, और यहां पे कितना हो गया, 90,000 रुपए। ठीक है, 90,000 रुपए। ठीक है, इजी हो गया। अब जब हमारे पास 90,000 रुपए आ चुके हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसे हमारे, अब इसके बाद मतलब हमारे पास अभी तो हमने क्या करा, लोगों से पैसा मांग लिया हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, अब लोग हमारे पास ये प्रॉपर पैसा सेंड कर देंगे, है ना, और वो पैसा कहां आएगा हमारे पास, बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, 3,000 शेयर इंटू 30 रुपए। ठीक है, जिससे कि अब हमारे अकाउंट में प्रॉपरली ये पैसा आ चुका है। ठीक, ये हो गई हमारी सभी एंट्री जर्नल की, जिसके लिए मैंने यहाँ पे नरेशंस भी मेंशन करी थी सभी के लिए कि क्या क्या नरेशन होनी चाहिए, वो भी आप यहाँ पे अपने पास नोट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब बारी आती है कि क्वेश्चन में कहा गया था कि बैलेंस शीट भी बनानी है, तो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं, तो वो भी सीखते हैं फटाफट से। देखो, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट के लिए दो चीज ध्यान रखना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, पहला, सबसे पहला चीज हमें लिखना है ऊपर जो भी हमारी कंपनी है, हमने लिखा नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड बैलेंस शीट। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। ठीक, अब ये नोट नंबर जो है इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं यहां से, नोट टू अकाउंट, एक फॉर्मेट और बनेगा छोटा सा जिसमें हम लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, इतना बनता है, यानी कि अगर कोई भी चेंजेस है हमारे एंट्री में तो उसका जो बड़ा रिफ्लेक्शन होगा वो हम यहां दिखाएंगे डिटेल, और कैसे करना होगा मैं आपको यहां पे भी बताता हूं। देखो, यहां पे हमने लिखना है, पहली हेडिंग आएगी इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्योंकि जो भी हम शेयर मार्केट में इशू कर रहे हैं वो एक तरह से क्या हमारे लिए लायबिलिटी भी है। ठीक है, वो एक तरह से हमारे लिए लायबिलिटी है, और जो शेयर है उसे हम इक्विटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पहली हेडिंग आएगी इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इसके अंडर में एक हेडिंग और आएगी, वो आएगा शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड, यानी कि लोगों का पैसा। अब इसमें भी जो पैसा है वो किस अकाउंट में हमारे, वो हमारे शेयर कैपिटल में है। ठीक है, अब ये शेयर कैपिटल में पैसा कैसे कैसे आया ये हमें दिखाना है, तो इसके लिए हमने डाल दिया नोट नंबर वन कि यहाँ पे तो हम एक अमाउंट लिखेंगे, लेकिन ये पैसा कैसे कैसे आया, उसके स्टेप्स क्या थे, उसकी डिटेल हम दिखाएंगे नोट नंबर वन। तो हमने इसके लिए क्या करा, एक दूसरा अकाउंट यहाँ पे बनाया छोटा सा जिसमें हम इसकी डिटेल दिखाएंगे कि ये पैसा कैसे आया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया नोट्स टू अकाउंट का एक हेडिंग, फिर हमने लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट, और यहाँ पे आ गया हमारा नोट नंबर वन जिसमें हमने दिखाया कि भाई जो शेयर कैपिटल का पैसा है उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे पास कितनी थी। तो हमारे पास जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी वो थी 3,00,000। ठीक है, कैसे निकाला हमने, हमने यहाँ पे क्या करा, हमारे पास उसका क्वेश्चन में था 3,000 शेयर इंटू 100 रुपए, तो टोटल ऑथराइज तो थी 3,00,000। हमने इशू कितने करे, हमने इशू, फिर नेक्स्ट आ जाएगा इसी के बाद इशू कितने करे, इसमें लिखेंगे 1 का पार्ट A, 1 का पार्ट B एंड 1 का पार्ट C। ठीक है, अब इसमें हमने कितने शेयर इशू करे थे हमारी कंपनी ने, 3,000 शेयर इशू करे थे, तो इसके नीचे हम लिखेंगे इशूड कैपिटल और उसमें लिखेंगे हम 3,000 शेयर एट 100 ईच। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3,000 × 100 कितना होता है, 3,00,000 ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास सब्सक्राइब्ड कितने हुए, सब्सक्राइब्ड का मतलब है अगर हमने 3,000 शेयर मार्केट में बेचने के लिए रखे हैं तो कितने खरीदे गए, 3,000 ही खरीदे गए, कम खरीदे गए या ज्यादा खरीदे गए। तो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो उन्होंने कहा था फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब कि जितने शेयर हमने उतारे थे उतने ही बिक गए, यानी कि 3,000। तो सब्सक्राइब्ड कितने हुए, 3,000 शेयर एट कितने रुपए पे, 100 ईच पे ही हो गए सब। ठीक है, तो यानी कितने रुपए मिले हमें, 3,00,000 रुपए मिले। ठीक है, बस अब ये जो फाइनल अमाउंट है ना सब्सक्राइब्ड वाला, ये लिखा जाता है हमारे पास हमारे यहां पे नोट नंबर के सामने। लेकिन हमने ये 3,00,000 कैसे आया इसकी डिटेल दिखा दी, कि भाई हमने दिखाया कि हमारे पास थे तो 3,00,000 शेयर के ही, और हमने उसमें उतारे भी मार्केट में 3,000 शेयर, और उसके हिसाब से हमें लोगों ने हमारे शेयर 3,000 ही खरीद लिए, तो इस वजह से हमारे पास 3,00,000 रुपए आए। तो हमने यहाँ पे हमारा दिखा दिया अमाउंट।
अब इसके बाद बारी आती है हमारे पास, क्वेश्चन क्या आता है कि हमें क्या बनाना है, कैश अकाउंट भी बनाना है। कैश अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें बेसिक फॉर्मेट जो हमारा लेजर का होता है वो हमें यहाँ पे दिखाना होता है ना। तो उसमें जो हमारा फॉर्मेट है वो क्या है, डेबिट साइड है हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट, फिर एक क्रेडिट साइड हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब जो भी पैसा आपने रिसीव करा है वो आप कहाँ मेंशन करोगे, डेबिट साइड, ठीक है। कौन कौन सा पैसा आपने रिसीव करा है, आपने एप्लीकेशन में पैसा रिसीव करा है, आपने अलॉटमेंट में पैसा रिसीव करा है, इसके बाद आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी पैसा रिसीव करा है ना, तो सारा पैसा आपने दिखाना है डेबिट साइड। अगर क्वेश्चन में डेट्स गिवन है आपके पास तो एक कॉलम और आ जाएगा डेट का कि किस किस डेट पे आपने क्या क्या रिसीव करा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे टू एप्लीकेशन, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, हमने लिख लिया। इसके बाद फिर आएगा यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला था आपको, मिले थे 90,000 रुपए, आपने इसको लिख लिया। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा मिला आपको भाई, 1,20,000 मिला था अलॉटमेंट पे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या मिला था, आपको इसके बाद मिला था शेयर, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने रुपए मिले थे इसमें भी आपको, 90,000 रुपए मिले थे, है ना। अब हमें क्या करना है, जो भी साइड ग्रेटर है उस साइड तो कुछ नहीं मिला ना हमें, उस साइड क्या, इस साइड अगर पैसा रिसीव कर रहे तो उस साइड वो आता जो पैसा पे करते, तो अभी आपने तो कुछ पे नहीं करा है, तो बस आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है। टोटल कितना हो गया हमारे पास भाई, 9 और 9 180 और 120 हो जाएगा 3,00,000, ठीक है। तो इसका टोटल आ गया 3,00,000, ठीक है, ये हमने यहाँ पे टोटल कर दिया। अब सेम टोटल को आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे, यानी कि सामने भी लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 3,00,000, ठीक। और अब यही 3,00,000 आ जाएगा यहाँ पे भी, और हम इसको नाम देंगे अब बाय बैलेंस सीडी, है ना। बस हो गया, बन गया हमारी कैश बुक, कितनी इजी है। जो भी पैसा आप रिसीव करोगे अलग अलग स्टेजेस में तो उसका अमाउंट आ जाएगा, टोटल करो, बैलेंस फॉरवर्ड करो, लास्ट में से बैलेंस सीडी लिख के दिखा दो, खत्म हो गया, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर अभी भी बता रहा हूँ कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है शेयर के, तो लिंक पे जाओ जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरी तरह सुनो, नोट्स बनाओ और फिर मेरे साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन करो। अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।